Hey guys, welcome to our channel. My name is Absar and you watching Technical Absar YouTube channel. तो guys, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे Instagram के एक न्यू फीचर के बारे में जिसका नाम है फिल्टर। तो एक्चुअल में क्या है, जब भी आप Instagram के ऊपर मतलब आपको कोई आपकी पोस्ट को अगर कोई लाइक करता है या फिर आपको कोई फॉलो करता है या फिर आपकी पोस्ट के ऊपर कोई कमेंट अगर करता है या फिर अगर इवन आपको कोई अगर मेंशन करता है तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर जो आपके प्रोफाइल के साइड में जो एक एक्टिविटी आपको दिखता है यहाँ पर आप उन सारी चीज़ों को देख सकते हैं। तो यह है आपकी एक्टिविटी, यहाँ पर आपको दिख जाएगा किसने फॉलो किया, उसके अलावा यहाँ पर आपकी पोस्ट के ऊपर किसने लाइक किया एंड आपकी पोस्ट के ऊपर किसने कमेंट किया, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिख जाती है। बट अभी इंस्टाग्राम के ऊपर एक नया अपडेट आया है जिसका नाम है फिल्टर। आप जैसे यहाँ पर फिल्टर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे फिल्टर्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर फिल्टर्स को सबसे पहले दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया हुआ है, एक तो यहाँ पर कैटेगरी जिसके अंदर टैग्स एंड मेंशन, कमेंट्स, फॉलो, दूसरा यहाँ पर अकाउंट टाइप मतलब कि अगर कोई वेरीफाइड अकाउंट है तो उसके लिए अलग है एंड पीपल यू फॉलो मतलब कि जो लोग आपको फॉलो करते हैं उन लोगों के लिए एक अलग सेक्शन है। अभी देखो यहाँ पर सबसे पहले हम एक काम करेंगे, टैग्स एंड मेंशन को अगर हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो अभी हमारे जितने कमेंट्स हैं वो सभी कमेंट्स यहाँ से हाइड हो जाएगी और जिन लोगों ने हमें मेंशन किया है या फिर अपने पोस्ट के अंदर टैग किया है सिर्फ वही हमें यहाँ पर एक्टिविटी शो होंगी। तो इस तरीके से आप फिल्टर यहाँ पर कर सकते हैं। उसके अलावा अगर यहाँ पर हम जस्ट कमेंट्स अगर फिल्टर करें देन यहाँ पर अगर हम इसको अप्लाई अगर करते हैं तो यहाँ पर जस्ट हमारी पोस्ट के ऊपर जितने कमेंट्स हैं जो कि यहाँ पर 15-20 दिन के पहले हुई है वो सारी यहाँ पर शो हो जाएगी। अब उसके अलावा यहाँ पर आप मल्टीपल ऑप्शंस भी यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर कमेंट्स को सेलेक्ट कर लिया, उसके अलावा यहाँ पर हम पीपल यू फॉलो के ऑप्शन को हमने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद हम जैसे इसको अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर उसके रिलेटेड पूरी एक्टिविटी आपको देखने को मिल जाएगी कि आपके पोस्ट के ऊपर किसने कमेंट किया है, किसने आपको फॉलो किया है। तो गाइस इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। उसके अलावा यही से आप अपने पूरे जो आपकी एक्टिविटी है आप उसको यही से क्लियर भी कर सकते हैं। तो देखो आपको जस्ट यहाँ पर फिल्टर के ऊपर क्लिक करना है देन आपको यहाँ पर क्लियर वाला ऑप्शन मिल जाएगा, आप इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपकी एक्टिविटी या फिर आपने जो यहाँ पर इसको जो आपने जो चूज़ कर रखा है जो ऑप्शन वो सारे ऑप्शन यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये एक्टिविटी फिल्टर का एक नया अपडेट है जो कि काफ़ी बढ़िया है, आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम भी बचा सकता है, साथ में आप यहाँ पर बहुत ही मतलब के अगर आपको जो चीज़ देखना है जस्ट आप उन्हीं चीज़ को देख सकते हैं, उसके अलावा कोई दूसरी चीज़ आप यहाँ पर नहीं देखेंगे तो काफ़ी बढ़िया हो जाएगा। मतलब कि देखो यहाँ पर जस्ट मुझे फॉलोअर देखना है तो बस मैं यहाँ पर अपने फॉलोअर ही चेक करूँगा कि मुझे किस किसने फॉलो किया है। तो ये काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है, हम यहाँ पर अपनी कैटेगरी के हिसाब से फिल्टर लगा सकते हैं कि हमें एग्जैक्टली देखना क्या है। मतलब ऐसा नहीं कि भाई उसी के अंदर आपके कमेंट्स है, उसी के अंदर आपके फॉलोअर है, सब उसी के अंदर है, तो कैसे एक तरीके की खिचड़ी पक जाती है और देखने में इतनी ज़्यादा परेशानी हो जाती है कि हमें समझ में नहीं आता है कि भाई एक्चुअल में ये कमेंट था या फिर किसी ने हमारी पोस्ट के ऊपर लाइक किया था। बट अब फिल्टर की मदद से ये सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी और आपको इंस्टाग्राम के ऊपर ये अपडेट मिल चुका है। इसके लिए जस्ट आपको अपने इंस्टाग्राम को एक बार प्ले स्टोर से अपडेट कर लेना है, उसके बाद आपको सभी ये फीचर देखने को मिल जाएंगे। सो गाइस होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और अगर आपको ये फिल्टर ऑप्शन मिला या नहीं ये आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताना। सो गाइस वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।